गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारा ट्रिप का सेकेंड डे है। तो हम यहाँ श्रीनगर में रुक चुके थे, रात में लेट हो गया था काफ़ी। हम यहाँ श्रीनगर में रुके थे, यहाँ पर लॉज जो है काफ़ी सस्ती है, कोई भी आएगा तो उसको काफ़ी किफ़ायती पड़ेगा। यहाँ पर खाना थोड़ा महंगा है। तो हमने जो लॉज ली थी, ये एक कमरे का 600 रुपये दिया था, हमने तीन कमरे लिए थे। खाना अच्छा नहीं है, खाना बाहर से ही करें तो वही बेटर रहेगा। इधर है वाइट पानी जिसका आ रहा है ग्लेशियर से निकलता हुआ, ये भागीरथी है और वो अलकनंदा है। तो यहाँ पर इनका मिलन हो रहा है दो नदियों का। ये ऊपर से आ रही है निकलती हुई भागीरथी और ये अलकनंदा। ये जो प्लेस है इधर, ये चौपला है। बारिश पड़ी है अभी, तो धुंध आ रखी है। जुलाई में ऐसा मौसम देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा ऐसा। पहाड़ों में ही अक्सर होता रहता है ऐसा मौसम। यहाँ पर स्टे करेंगे अब हम आज रात। और एक मंदिर है यहाँ, तुंगनाथ मंदिर, वर्ल्ड हाईएस्ट टेंपल है। तो उधर की तरफ रवाना होंगे हम लोग। ये रास्ता गया है इधर को सीधा, ये जो गेट बन रखा है इधर को जाना है। तो अगला मिलते हैं हम तुंगनाथ मंदिर में आपको। ये हम तुंगनाथ मंदिर है के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अरे है क्या कुछ है? ऐसी ही चढ़ाई है यहाँ पर तुंगनाथ मंदिर पर, सीधी चढ़ाई है। अराउंड होगा ये 3-4 किलोमीटर, मज़ा आएगा। वहाँ वर्ल्ड हाईएस्ट टेंपल है इधर साइड में, ये देख सकते हैं आप, इसी तरह की चढ़ाई है। अब हम मिलेंगे तुंगनाथ मंदिर में। काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि हाईएस्ट प्लेस है, कहीं ना कहीं व्यू भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि हाईएस्ट है वर्ल्ड का। वो भी एक बार को इंडिया कहा जाता तो काफ़ी हाइट पर है तो इसलिए थकान भी बहुत हो रही है। अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे हम लोग, इतनी थकान हो गई। ऊबड़ खाबड़ जगह है, अगर एक तरह से सड़क अच्छी बनी हुई होती, चाहे ये 40 या 45 डिग्री होता, वैसे तो 45 होगा, ये देख सकते हैं आप 45 का ही है ये। बट कुछ भी है, शांति है यहाँ पर प्रकृति की गोद में। अभी पता नहीं, शायद हम मिड पॉइंट पर ही आए होंगे, तक ऐसी हालत हो गई है सबकी, सब गिरे पड़े हैं, काफ़ी हाइट पर है। आना तो सोच समझ के आना यहाँ। अरे चलो, ये जो सोना जा, चलो देख सकते हैं आप कितनी हाइट है ये। खड़े हो लो, तू अपना वो पकड़ लो, चलो चलो यार, सब पसीने में आ गए हैं। दो मिनट का सांस लो। मास्टर जी के तो कुर्ते फेल हो लिए। अरे साफ था ये सब, ये ग्रुप है हमारा। इस तरह का व्यू है यहाँ पर। आधे रास्ते जा चुके हैं हम, हालत हमारी ख़राब हो चुकी है। किसी का ऑक्सीजन लेवल में दिक्कत हो तो वो कृपया करके यहाँ ना आए, क्योंकि भक्ति एक तरफ है अपनी और स्वास्थ्य अपना एक तरफ है। बहुत काफ़ी तगड़ी हाइट है, शुरू में नहीं लग रही थी कि कितनी चढ़ाई होगी, अब तो लगता है कि 60-65 होगा। चलिएगा मिलते हैं आगे, इस तरफ से ऊपर जाना है। और
हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है सभी की, ऊपर चढ़ते चढ़ते। मगर सब लोग यही बोलते रहे कि जब 2 किलोमीटर चढ़ गए हैं तो 2 और सही, तो चढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो पैर भी सोच रहे हैं कि अब तो चलना ही है, आदत हो गई है। काफ़ी अच्छा व्यू है, मतलब सोच सकते हैं आपकी इंडिया में वर्ल्ड हाईएस्ट टेंपल, वो भी इंडिया में। तो अब हम यहाँ पर मंदिर के पास ही आ चुके हैं, काफ़ी दूर था। इस तरह का ये व्यू है, आसपास दुकानें बनी पड़ी हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, तो देख सकते हैं आप। यहाँ काफ़ी अच्छी चढ़ाई है, काफ़ी बढ़िया चढ़ाई है, अगर किसी को सच में एडवेंचर करना है यहाँ आ सकता है। ये व्यू है। अभी हम लोग यहाँ से 2 बजे चले थे नीचे से, चढ़ाई में काफ़ी टाइम लगा है। इस तरह की दुकानें हैं, थकन तो है मगर एक तरह से एक फाइट भी है। ये काफ़ी हाइट है, वर्ल्ड हाईएस्ट टेंपल। तुंगनाथ मंदिर, तुंगनाथ टेंपल है ये। ये देखिएगा, ये है मंदिर। इधर काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है सभी की, यहाँ पूरा आप सबको लग रहा होगा कि धुंध है मगर ये बादल है, बादल की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह का व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है, देख सकते हैं आप। तो हाँ, हम आ चुके हैं यहाँ पर। आस्था सब अपनी जगह है मगर शरीर अपनी जगह है, देखिएगा। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। हालत बहुत बुरी हो चुकी है। फाइनली एक बार को तो ऐसा लग गया था कि मतलब नहीं चलना, हिम्मत से हार गए थे सभी लोग। मगर इंडिया में कुछ ना कुछ तो है भक्ति नाम की चीज़, जो व्यक्ति के अंदर सारी थकन दूर कर देती है। तो आइए, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत हारते हो तो बाबा का नाम लीजिए, चढ़ते चले आओगे हम। अब आगे मंदिर में मिलेंगे हम आपको। ये देखिएगा, ये मेन गेट है तुंगनाथ का। देखिएगा, बहुत ही अच्छा व्यू है। भोले बाबा का मंदिर है सबसे ऊंचा है, तो कहते हैं ना भोले बाबा जहाँ भी बसते हैं अच्छी जगह ही बसते हैं। ये है तुंगनाथ मंदिर, काफी प्राचीन मंदिर। दर्शन करें, एक ही लग रहा होगा आपको स्ट्रक्चर से, काफी प्राचीन मंदिर है। काफी अच्छा लगा मंदिर में आकर, मेहनत करनी पड़ी मगर संतुष्टि मिली फाइनली। काफ़ी अच्छा, देख सकते हो आप, काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और वर्ल्ड हाईएस्ट मंदिर जो टेंपल है। ये इधर भी है कुछ, इधर भी है, मेरी तरफ पीछे भी है ये मंदिर है। ये भी कुछ इधर ही बना हुआ है, ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इधर मंदिर की ओर ही होता है, तो आप देख सकते हो मंदिर की ओर है इनका मुंह। किसी भी मंदिर में आपने ये नहीं देखा होगा कि इनका मुंह अपोजिट साइड में होगा मंदिर के, तो मंदिर के बिल्कुल
फेस पे ही, मंदिर के फेस पे ही इनका फेस रहता है। मतलब शांति है, बहुत ज्यादा शांति है यहाँ। इधर मंदिर है, इधर ही मन्नत मांगने वाले जो भी है चुन्नी वगैरह अपने मानते हैं। इधर स्पीचलेस एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं ग्रुप से मिलवाऊंगा अपने, देख ये फोटो कितना प्यारा लग रहा है। इतनी सारी मतलब इससे ही पता लगा सकता हूँ कितने श्रद्धालु यहाँ आ चुके होंगे, और हमारा पता नहीं कौन से करोड़ों में नाम होगा। फोटो खींच ले पहले, मेन मंदिर ये है। फोटो इस तरह हटेगा पहले, ये देखिएगा मंदिर के चारों ओर का है ये कपाट। कोई भी व्यक्ति आए तो कपाट 7:30 बजे बंद होते हैं। महाराज जी से मेरी बात हुई थी तो 7:30 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। आरती होने के बाद कपाट बंद कर देते हैं। कोई भी श्रद्धालु आए तो समय से आए अपना। देखो आना हो आए, मतलब आने के बाद अगर मंदिर खुला ना मिले, दर्शन ना हो तो अच्छा नहीं लगता। मंदिर में आना, बाबा जी के दर्शन करना, वही सबसे बड़ी बात है, वही मेन है। चढ़ाई इतनी उन्हीं के लिए चढ़ाई करी है। ये पीछे का व्यू है, पूरा पहाड़ है इधर। ये इधर भी मंदिर है, जैसे कि साइड में ये मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी काफी चुनिया वगैरह टंगी हुई है, बनी हुई है। देखिएगा मैं इस टाइम मतलब हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट टेंपल पर खड़ा हूँ। ये देखिएगा बादल, ये धुंध नहीं है, बादल है। देखिएगा लोग देख सकते हो हम, वो चूहा है, चूहा है, खरगोश है, खरगोश का बच्चा है ये, नहीं चूहा है खरगोश, जो भी हो कमेंट करके बताएं कि क्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, दिख रहा होगा आप सभी को। इस तरह का ये व्यू है, प्रस्थान करने का समय आ गया है। समय भी बहुत हो गया है, इस समय समथिंग तुम्हारे 7 बज गए होंगे, अंधेरा नहीं हुआ। ये देखो 7 बजने वाले हैं, अब यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया है। अभी यहाँ से पत्थर बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है पत्थर, बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर। मतलब टेम्परेचर होगा अराउंड, होगा अराउंड ऐसी 10 होगा। यहाँ भी है ये छोटे छोटे भैरवनाथ मंदिर है ये, इधर काफी फिसलन है, इधर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं। और काफी फिसलन है यहाँ, श्रद्धालु चढ़ाते हैं तेल वगैरह जो भी है कमल के चढ़ाए थे। काफी फिसलन है यहाँ पर, मंदिर है आनंदा पर्वती। आरती तुंगनाथ जी की ये देख सकते हैं आप, दिखाई दे रही होगी आपको, मंदिर है। निकलने का टाइम आ गया, निकलते हैं आप जा। आज रात हम चौपटा में स्टे करेंगे, वहाँ ही हमने रूम दे रखे हैं। चलिएगा फिर मिलते हैं, देर अभी काफ़ी हो गया है। अब अगली वीडियो आराम से मिलेगी।